हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो डुप्लीकेट्स वैल्यू को फाइंड करने को लेकर के है। जी हां दोस्तों, आप एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करते हैं बहुत ही आसानी के साथ, उसी तरह से गूगल शीट में फॉर्मूला लगा करके कैसे डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वो रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, वो डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं जहां हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है। तो ये पूरा डेटा हम कर लेते हैं, यहां तक ये कॉलम देख सकते हैं, इसको हमने सिलेक्शन में ले लिया है। ठीक है, अब कहां जाना है, अब फॉर्मेट पे जाना है और यहां से जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां पर ऐड अनदर रूल पे जाना है। तो ये देख सकते हैं ये पूरा हाईलाइट हो रखा है और यहां पर वो रेंज आ गई है जिस रेंज में हमें डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां पर इज नॉट एम्प्टी दिया हुआ है, यहां पर क्लिक कीजिए और एकदम लास्ट में आ जाइए, ये लास्ट वाला दिख रहा है ना यहीं पे, तो बस यहीं पे रहिए और यहां पर क्लिक कर दीजिए माउस से। क्लिक कर दिया, अब यहां पर हमें बनाना है एक फॉर्मूला, लगाना इज इक्वल टू काउंट और इसके साथ लगाना इफ, पुराना है आप पहले भी यूज कर चुके हैं। ब्रैकेट को ओपन करिए, यहां पर हम किस रेंज सेल की बात कर रहे हैं, किस कॉलम की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। तो सी लगाया, फिर यहां कॉलन लगाया, फिर सी लिखा, फिर यहां पर क्या करेंगे, कॉमा देंगे। अब हमारा डेटा कहां से शुरू हो रहा है, तो ये देखिए डेटा शुरू हो रहा है C3 से, देखिए ना यहीं पे है, ये है ना C3, तो यहां पे लिख दिया हमने C3। ठीक है, यहां पे ये लाइक ऐसे C3 और इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे, क्लोज करके और हम ये कहेंगे कि अगर एक से ज्यादा बार आया हो तो उस वाले हिस्से को हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, तो इसने हाईलाइट करके हमें दे दिया, देख सकते हैं। अब यहां पर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है, लाइक इसको बोल्ड बनाना चाहते हैं तो आप बोल्ड बना सकते हैं उस डेटा को जिसको इसमें हाईलाइट कर रखा है। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कलर भी चेंज करने का ये ऑप्शन दे रहा है, आप इसमें कलर भी जाकर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वैल्यूज जो है अलग अलग कलर में आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब देखिए राम जो है एक बार आया है, श्याम, अब तो यहां पे देख सकते हैं राम एक यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, फिर श्याम देखिए तो श्याम भी डुप्लीकेट वैल्यू है, राजू भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे राधा, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू है, फिर प्रियंका भी डुप्लीकेट है और यहाँ पे देख सकते हैं इशिता भी डुप्लीकेट है। अमृत डुप्लीकेट है क्या, चलिए एक बार देखते हैं, यहाँ पे एक बार अमृत आया हुआ है, फिर यहाँ पर भी आया हुआ है, तो ये देख सकते हैं अमृत भी एक डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है, अब चेक करते हैं जो जो हाईलाइट नहीं है वो डुप्लीकेट नहीं है क्या, तो सौम्या देखिए, सौम्या यहाँ पे आया हुआ है, क्या इसमें सौम्या कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फिर यहाँ पर सौम्या नहीं है, फिर यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अनामिका एक ही बार आया हुआ है, तो ये देखिए इसमें अनामिका नहीं है, फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी अनामिका नहीं है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर बदल जाए, ये जो बैकग्राउंड है हरे कलर का आ रहा है, ये कोई और बैकग्राउंड में आए, तो यहां से जाकर के आप बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं, लाइक ऐसे बैकग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, और उन हिस्सों को अंडरलाइन कराना चाहे तो अंडरलाइन भी करा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आई होगी। और अगर इस पे स्ट्राइक थ्रू लगाएं, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, देखिए कट कर दिया मैंने, ये सब दो दो बार आया हुआ है, दो दो तीन तीन बार, तो इसको मैंने कट कर दिया। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके इजिली। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।